जिंदाबाद 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 किसाना मजदूरों का एकता जिंदाबाद 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 किसाना मजदूरों ना धक्के करना बिजली प्रशासन मुर्दाबाद 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 लोगों के बिल ज्यादा पाने वाला बिजली प्रशासन मुर्दाबाद 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 लोगों के पर्चे करने वाला बिजली प्रशासन मुर्दाबाद 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 लोगों के बिजली के पर्चे रद्द करवा के रहेंगे मैं मलकीत सिंह पुत्र फुम्मन सिंह दा पिंड दोनों नानका माथमक दा रहने वाला एक मेरे बाप फुम्मन सिंह दे नाँ ते एक कुंडली कनैक्शन जिहड़ा ट्यूबल कनैक्शन चल रहा जी लगभग सन 2016 दे विच सही डाकूमेंट दे के मच्छर के खाते दे विच किते साहिबां ने माल महकमे की गलती दे कारण दो कनाल दे रकबे दे विच अड़चल पाई गई सीगी उहदे विच बिजली बोर्ड दी हिदायतां दे मुताबक मैनू ऑफर किया गया सी कि तुहाडा रकबा वध है जी उहनूं रकबे नूं गलती नूं सैट भी किया जा रहा जी चार सालों तो बाद जी अज भी रकबा सैट है जी उहनूं बिना मिस्टेक तो अज जी हरासमेंट किया जा रहा जी धमकियां दे रहे जी मनजीत सिंह जई ने जी खुद मैनूं कहा भी गलती ठीक कर लिया आपकी तो मैं गलती भी ठीक कर ली जी अज भी मेरा रिकॉर्ड सही है जी बहुत धन्यवाद मैं कुलवंत सिंह जोन सकत्तर फाजिलका तो जिस तरह बिजली महकमा बिजली प्रशासन लोगों के नाल धक्का कर रहा है जिवें पहला कुछ मेरे किसान आगू वीर दस के गए ने कि कई ट्रांसफॉर्म पट्टे जा रहे हैं एक पास सरकार कह रही है कि बिल बिल्कुल माफ किए जा रहे हैं आ मेरे को सबूत ने माड़ा जी देखो इन ग्यारह ग्यारह हज़ार बिना किसी घर के एक दो लाइटा वाले तो ग्यारह ग्यारह हज़ार बिल आ सबूत लैके खड़े हैं तो प्रशासन को बेनती है कि लोगों को तंग तो परेशान ना किया जाए बिल बिल्कुल फ्री किए जाने जोड़े सरकार वालों अलाउस किए गए हैं अगर ये बिल इवें धक्के यूनिटी वाद दस के ज़्यादा किए गए तो फिर एक सख्त हिदायत जी असी हुण कीती है किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने कि फाजिलका बिजली बोर्ड के सामने 7 तरीक तो पहला साडे मसले हल ना किए गए तो एक अणमिथे समय लिए असी धरना देंगे और उन्ना देर असी धरना नहीं बटांगे जिन्ना चिर साडे मसलों का हल नहीं होंदा वाहिगुरू जी का वाहिगुरू जी की फतेह। मैं प्रधान हंसा सिंह पिंड मारकीवा भवानी तो जो भी प्रशासन साहब बिजली बोर्ड ये जो भी अपने किसान सारे कह रहे हैं भी साड़िया जो भी कोई नजायज बिल आ रहे हैं जा कोई भी किसी तरह का भी किसी विचार से नजायज धक्का हो रहा है इनके कारण सारा समस्या जो भी हैगी है हल की जाए जेकर समस्या किसी की भी हैगी हल ना की गई तो अ जो ये लीकया गया है अपना धरना 7 तरीक का ये बिजली बोर्ड उत्थे जाके किसान सारे पूरा धरना देंगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं जगदीप सिंह फाजिलका जोन प्रधान किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब। सो अज असी पिंड नवा अस्ता विखे एक जिहड़ी अपने फाजिलका जोन की आगुआ की मीटिंग इत्थे रखी गई सी और इस मीटिंग दे विच कुछ अहम जिहड़े मुद्दे रखे गए सी। सब तो पहला जिहड़ा मुद्दा रखा गया सीगा भी बिजली महकमे वालों फाजिलका दे जिहड़े बिजली प्रशासन आ बहुत ज़्यादा जिहड़ा लोगों नाल धक्का किया जा रहा वा ते जिहड़े बिजली दे बिल वह बकाए जिहड़े बहुत ज़्यादा कढ़े जा रहे आ और बिजली महकमे वालों जिहड़ा लोगों ते नजायज परचे किए जा रहे आ लोगों के कनैक्शन कट्टे जा रहे आ। सो इस विरुद्ध जिहड़ा असी जिहड़ा बिजली प्रशासन नूं असी चेतावनी देना चाहुंदे आ भी जे लोगों की समस्यावां दा हल नहीं किया जाता तो 7 मार्च नूं किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब वालों जिला फाजिलका दे आगुआं वालों जिहड़ा इत्थे बिजली दफ्तर जिहड़ा बिजली जिहड़ा दफ्तर फाजिलका उहदे सामने जिहड़ा धरना दिता जाऊगा 7 मार्च नूं जे साडियां जिहड़ियां समस्यां दा वा हल उह नहीं किया जाता। सब तो जिहड़ी पहली समस्या वा हैगी आ पिंड जिहड़ा दोने नानके दे विच फुम्मन सिंह पुत्र डोगर सिंह उहदे नां ते कनैक्शन चल रहा और बिल्कुल सही चल रहा कनैक्शन और बिजली महकमे वालों उस कनैक्शन नूं पट्टिया जा रहा उहनां नूं नजायज तंग किया जा रहा। असी प्रशासन अगे बेनती करते हैं भी उस मसले का जिहड़ा हल किया जाए अगर उस मसले का हल नहीं किया जाता तो जिहड़ा 7 मार्च नूं असी उत्थे बिजली दफ्तर सामने फाजिलका उत्थे असी धरना अणमिथे समय लिए देंगे और इस तों बाद होर लोगों की काफ़ी समस्यावां हैगियां जिंदा लोगों नूं जिहड़े बिजली के नवे मीटर लगन कारण बिजली के बिल 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार 7-7 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये भी आ रहे हैं और एक पिंड मुहारकीवा पैंदा वा उत्थे एक जिहड़ा खपतकार आ कुलवंत सिंह पुत्र केर सिंह
ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਕੋਈ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿੱਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨਾਮੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੜੀਅਰ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਊਗਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਊਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪਰਚੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੱਟਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ 2022 ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹ ਹੱਲ ਉਹ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਬੂਲ ਕਰੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ABN ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਭੀ ਦਰਸ਼ਕੋ ਸੇ ਹਮ ਅਪੀਲ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ABN ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਪਰ ਐਸੀ ਲੇਟੈਸਟ ਖਬਰੇ ਦੇਖਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਹਮਾਰੇ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁਲੇ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ।